नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विजय है। विजय व्यूज यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में मैं 14 जून को जो कर्नाटका में जो रिलैक्सेशन जो मिलने वाला है, जो लॉकडाउन एंड होगा, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। और इन डिटेल में जो बाकी का 11 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स है जो लॉकडाउन में कंटिन्यू करेंगे 21 जून 6 AM तक। तो दोस्तों, पहले जो लॉकडाउन कंटिन्यू करने वाले डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनका नाम मैं बता देता हूँ। चिकमंगलूर, शिवमोगा, दावणगेरे, मैसूर, चामराजनगर, हासन, दक्षिण कन्नड़ा, बैंगलोर रूरल। बैंगलोर अर्बन आके लॉकडाउन पे ओपन होगा मंडे से, मगर रूरल अभी भी लॉकडाउन पे है। अगर हम केसेस की बात करें, बैंगलोर अर्बन में कल का जो केसेस जो रिपोर्ट हुआ है 2,191 केसेस रिपोर्ट हुआ है। अगर रूरल लॉकडाउन पे है तो केसेस आके ज़्यादा रहेगा, इसी के लिए लॉकडाउन पे है। और मंडिया, बेलगावी, कोडगु, इस जगह पे आपको नाइट कर्फ्यू, वीकेंड लॉकडाउन आके कंटिन्यू होगा। और ये सीएम के तरफ से अनाउंसमेंट ऑलरेडी कर चुके हैं, और जो भी इनका मिनिस्ट्रीज है ये रिस्ट्रिक्शन अगर और भी देना चाहते हैं तो दे सकते हैं करके ऑलरेडी सीएम ने बता चुके हैं। जो रिलैक्सेशन जो मिलने वाला है उनके बारे में अगर हम बात करें, सभी इंडस्ट्रीज 50% स्टाफिंग के साथ काम करवा सकती है, मगर गारमेंट इंडस्ट्री सिर्फ 30% के साथ काम करवा सकती है। और जो दुकान होंगे आपको दूध लेने के लिए या जो भी एसेंशियल के लिए होंगे, वो आके पहले 10 बजे तक टाइम था, अभी 2 बजे तक किया गया है दोपहर का। आप आराम से ले सकते हैं, ज़्यादा भीड़ मत बनाइए, आप आराम से टाइम मेंटेन करके आप जाके ले सकते हैं। और जो कंस्ट्रक्शन का जो काम करते हैं उनको कुछ रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, उन लोग आराम से काम कर सकते हैं। और कंस्ट्रक्शन में जो मटेरियल्स यूज़ होता है, सीमेंट, स्टील, इनमें जो दुकानें होती हैं इनके लिए भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, ये पूरा दिन ओपन हो सकते हैं, टाइम लिमिट नहीं है। अगर हम पार्क की बात करें, जो वॉकिंग पार्क हो सकती है, ये पार्क्स आके आपको मॉर्निंग 5 AM से 10 AM तक आप पार्क को यूज़ कर सकते हैं। और जो रोड साइड वेंडर्स जो होते हैं उनके लिए भी 6 AM से 2 PM का टाइम दिया गया है, उस टाइम में उन लोग बिजनेस कर सकते हैं। इसमें टैक्सीज और ऑटो का भी रिलैक्सेशन दिया गया है, 2 पैसेंजर्स के साथ आराम से उन लोग बिजनेस कर सकते हैं, ड्यूटीज कर सकते हैं। ये पहले कर दिए तो ऑटो ड्राइवर और टैक्सी ड्राइवर्स को बहुत दिक्कत नहीं होता दोस्तों, बहुत सारा डैमेजेस आके इनको हुआ है, क्योंकि इन लोग रोज़ कमा के रोज़ ये करना पड़ेगा एक्सपेंसेस। अगर इनको पहले ही रिलैक्सेशन मिल जाता तो अच्छा होता, मगर इसमें दिया गया है, इसको सही ढंग से यूज़ करना पड़ेगा। और जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं उनमें सिर्फ 50% स्टाफिंग के साथ काम करवा सकते हैं। होटल और रेस्टोरेंट, इसके पहले जो रूल्स था अभी भी वही कंटिन्यू होता है, उनमें कुछ चेंजेस नहीं है, सिर्फ पार्सल सर्विसेज अवेलेबल होंगे। बार जो है वो 2 बजे तक सिर्फ टेक अवे, घर पे लेकर जाके पीने के लिए अलाउ किया गया है, 2 बजे तक का टाइम है। दोस्तों, ये सब जो रिलैक्सेशन इसलिए दिया जा रहा है, बहुत दिन तक बिजनेसेस आके क्लोज नहीं रख सकते, बहुत लोग को फाइनेंशियल कंडीशन आके उतना अच्छा नहीं है। ये रिलैक्सेशन मिलने से बहुत सारे लोग को रोज़गार मिलेगा, उनको जो भी फाइनेंशियल कंडीशन है वो आके ज़रूर पूरे होंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा।
अगर अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिसको भी ये ज़रूरत है इन्फॉर्मेशन उनको शेयर कीजिए। और भी वीडियोस आके आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, एंड कार्ड पे दे दूंगा मैं। और इसका जो स्क्रीनशॉट है, जो इन्फॉर्मेशन का स्क्रीनशॉट है, मैं स्क्रीन पे शेयर करूंगा, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक शेयर करूंगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। अगर कुछ डाउट है आप कमेंट करके पूछे, ज़रूर मैं रिप्लाई करूँगा। दोस्तों ज़रूर सपोर्ट कीजिए, इसी तरीके का वीडियोस मैं आगे लेकर आता रहूँगा। धन्यवाद, सेफ से रहिए, थैंक यू।